धन्यवाद अमिताभ जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, वरिष्ठ कवि आदरणीय मदन कश्यप जी, और इस पुस्तक के यशस्वी संपादक आदरणीय प्रोफेसर विकास शुक्ल जी, सेतु प्रकाशन के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने वाली अमिता जी, और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए तमाम मित्र शुभ शुभकामनाएं, सबके प्रति सादर अभिवादन प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम की योजना के अनुसार मैं कुछ बातें आपके सामने निवेदित करने का प्रयास कर रहा हूं। एक किताब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर सेतु प्रकाशन की तरफ से आ रही है, एक जागतिक आचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य। यह किताब लगभग तैयार है, बस बाइंड होकर हमारे सामने नहीं आई है, अन्यथा इसकी पूरी सामग्री हम लोगों के सामने आई। और इस सामग्री को देखने के बाद कुछ बातें कहने लायक तत्काल जरूर लग रही हैं, उन्हीं बातों को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। अमिताभ जी ने परिचय में बता ही दिया है कि परिचय नाम की पत्रिका 2007 में एक विशेषांक लेकर आई थी, जब 100 साल पूरे हुए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म के जयंती वर्ष में यह पत्रिका आई थी। और इस पत्रिका में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक ने अपनी बातें कही थी, तो उसी किताब को लेकर, पत्रिका की सामग्री को लेकर और कुछ संशोधन कर, कुछ संपादन कर और एक लंबी सी भूमिका लिखकर प्रकाश जी ने इस किताब को हिंदी संसार के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस किताब को देखते ही शिवप्रसाद सिंह जी की किताब शांति निकेतन से शिवालिक का ध्यान मुझे हो आया, और मुझे लगता है कि पाठकों के सामने जब यह किताब आएगी लोगों को जरूर ध्यान आ जाएगा कि यह किताब शिव प्रसाद सिंह जी ने भी संपादित की थी। और ये चूंकि हिंदी विभाग में शिव प्रसाद जी भी प्राध्यापक थे और श्री प्रकाश जी भी प्राध्यापक थे, दोनों किताबों में लगभग 50 साल का अंतर है, आधी शताब्दी का अंतर है दोनों किताबों में। आधी शताब्दी में एक फर्क तो यह पड़ा ही है कि उस जमाने में जब यह किताब आई थी तो द्विवेदी जी मौजूद थे, और जब यह पत्रिका तैयार हुई और यह किताब तैयार हुई है तब द्विवेदी जी संसार में नहीं है। दोनों किताबों में कई तरह के अंतर दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि शुक्ल जी की किताब, श्री प्रकाश शुक्ल जी की किताब कई कारणों से नए ढंग की है, महत्वपूर्ण है और पाठकों को नया कुछ देने की स्थिति में है। मैंने देखा कि कुछ लेखक श्री प्रसाद जी वाली किताब में भी मौजूद थे जो इस किताब में भी मौजूद है, जैसे रमेश कुंतल मेघ का लेख उसमें भी था, इसमें भी है। बच्चन सिंह का एक इसमें है और उस किताब में भी बच्चन सिंह का एक आलोचनात्मक लेख था। अरुणेश नीरन जी का भी लेख उसमें था, और मतलब 50 साल पहले
जो किताब आई थी और उसमें जिन लेखकों का जुड़ाव आचार्य निधि से था, उन लेखकों तक पहुंचने की कोशिश श्री प्रकाश जी ने की थी। ये बहुत प्रशंसनीय बात है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो लोग 50 साल पहले से पढ़ रहे थे, जान रहे थे, कम से कम पत्रिका आने पर 40 साल का समय तो गुजर ही चुका था। यह एक अच्छी बात है कि परंपरा से जो लोग जुड़े हुए थे द्विवेदी जी के लेखन से, वे लोग इस किताब में भी मौजूद हैं। अब कई लेखक इसके इस संसार में नहीं है और कुछ लेखक ऐसे भी हैं इस किताब में जो 2007 में कम उम्र के थे, युवा थे, नए लेखक थे, जैसे इसमें वैभव सिंह हैं, मनोज सिंह हैं, रामाज्ञा हैं, विनोद तिवारी हैं। ये सब लोग 2007 में आज से 13 साल पहले नए लोगों में शुमार थे। आज 13 साल बीतने पर ये मध्यक्रम के वरिष्ठ लोगों में हैं, लेकिन उस जमाने में ये नए लोग थे। तो नए लोगों ने भी जैसा समझा आचार्य हजारी प्रसाद जी को, वैसा उन्होंने लिखा और प्रकाश जी ने इन सबके लेखन को इस किताब में जगह दिया। एक और उल्लेखनीय बात है कि रविशंकर उपाध्याय जैसे विद्यार्थी का, मुझे लगता है कि उसमें रविशंकर उपाध्याय एमए पढ़ रहे होंगे या डच कर रहे होंगे, जो दुर्भाग्य से संसार में नहीं है, इन्हीं के नाम से एक पुरस्कार भी प्रकाश जी अपने प्रयास से चलाते। रविशंकर उपाध्याय का भी एक लेख है। तो लेखों की, लेखकों की विविधता के लिहाज से यह किताब समृद्ध है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे पक्षों पर भी विचार किया गया है जिन पक्षों पर श्री प्रसाद जी की किताब में विचार नहीं किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो उभर करके सबके सामने पहले से आए हुए थे, जैसे इतिहास पर लिखी हुई उनकी किताबें या उनके उपन्यास या मेघदूत पुरानी कहानी या उनके निबंध, जो महत्वपूर्ण पहले से थे, चर्चित थे, उन सब पर तो श्री प्रसाद जी की किताब में लेख हैं। लेकिन इस किताब में जैसे एक लेख रविशंकर उपाध्याय का जो है वो बाल साहित्य पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन को बाल साहित्य के हिसाब से कुछ हिस्से को उसमें चिन्हित करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से यह बहुत प्रचलित पक्ष नहीं है आचार्य हजारी प्रसाद जी का, लेकिन एक खोज करके रविशंकर ने यह बात यहां पर रखी। इसी तरह से वीरेंद्र मोहन जी ने द्विवेदी जी के कवि रूप पर विचार किया है। थोड़ा बहुत संकेत नामवर जी ने भी कहीं कहीं किया था, लेकिन प्रसाद जी वाली किताब में कवि रूप पर कोई आलेख मिलता नहीं। कहने का मतलब यह कि यह किताब द्विवेदी जी का पुनर्मूल्यांकन तो करती ही है, जिन पर पहले विचार हुए थे उन पर फिर से विचार करती है और कुछ नए पक्षों को भी लेकर हमारे सामने आती है। तो जाहिर सी बात है कि जब पाठक के हाथ में यह किताब जाएगी तो लगेगा कि कुछ हमने नया भी जाना है, केवल पुराना पुराने पक्षों पर ही इसमें पुनर्विचार नहीं है बल्कि कुछ नए पक्ष। तो पुनर्विचार और नए पक्ष इस किताब की खूबसूरती है। इस किताब में एक जो महत्वपूर्ण बात है जो श्री प्रसाद जी की किताब में ठीक से उसके बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि त्रिवेदी जी उस समय जीवित थे, शायद उनके सामने ये बातें ज्यादा नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब वे संसार में नहीं है तो उनके बारे में और बहुत सारी बातें की जा सकती। वह बात है
संस्मरणों वह बात है व्यक्तिगत रिश्तों। चित्रराज जी ने इसकी भूमिका में लिखा है, उस लिखने का जो आशय निकल करके आता है कि बनारस को और बीए चुके हिंदी विभाग को और हिंदी विभाग में काम करने वाले लोगों को, उसमें श्री प्रकाश जी भी शामिल हो सकते हैं, द्विवेदी जी तो शामिल है, कि लालित्य बहुत है उस विभाग। हजारी प्रसाद जी के लेखन के लालित्य तत्व पर खूब बातें हुई हैं, तो पहले से ही ललित निबंध लिखते थे और बनारस आने के बाद भी उन्होंने ललित निबंध लिखे थे, लेकिन उन ललित निबंधों का असली मतलब क्या है, किन परिस्थितियों के कारण हजारी प्रसाद जी ने ललित निबंधों का रास्ता अपनाया था, इसे समझने के लिए उनके जीवन के प्रसंगों को भी समझना पड़ेगा। यह किताब उनके जीवन के उन संकेतों को भी कई तरह से व्यक्त करती है। कई लिखों में मैंने देखा कि उनके जीवन के कुछ कुछ प्रसंगों के बारे में बात की गई है। शिवप्रकाश जी ने उस बात को ठीक से समझाने के लिए, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि शिवप्रकाश जी मूर्तः कवि, आजकल उन्हें आचार्य कहा जाने लगा है, लॉकडाउन में एकाध भाषण में उन्हें लोगों ने आचार्य कह तो दिया, लेकिन वे मूलतः कवि और कवि जैसे शब्दों का संधान करता है वो दूसरे तरीके से करता है, और आचार्य जिस तरह से शब्दों का संधान करता है वो दूसरे तरीके से करता है। उन्होंने एक शब्द दिया है छालित्य, छल छलित छालित्य, लालित्य के तर्ज पर छालित्य, मतलब जिसके साथ छल हुआ या छल से संबंधित बातें। बनारस को बीएचयू को और बीएचयू के हिंदी विभाग को आप छल को समझे बिना समझ ही नहीं सकते। आचार्य द्विवेदी के निबंध फुटेज को हम तभी ठीक से समझ सकते हैं जब आचार्य हजारी प्रसाद के साथ हुए उन छलों को भी समझे, उन बेईमानियों को भी समझे, और पूरे लालित्य के साथ छल करने की कला बनारस में मौजूद है। प्रकाश जी ने बहुत साहस के साथ अपनी कविताओं में भी लिखा है कि यह लपकों और गपकों का शहर है, लपकने वाले और गपकने वाले। उन्होंने यह भी लिखा है कि यहां धूल बहुत उड़ती, धूल और धुएं के बीच। याद कीजिए कि आदरणीय केदारनाथ जी ने भी यही कहा था कि धूल मरुआडी से उड़ती है तो दांत के बीच में किरकिरी आ जाती है। बनारस में मिट्टी की चर्चा बहुत कम होती है, धूल की चर्चा ज्यादा होती है। अगर गौर से देखा जाए कि हजारी प्रसाद जी के लेखन में जो तकलीफ छिपी हुई, जो दर्द छिपा हुआ है, हंसी ऊपर से है लेकिन भीतर भीतर फुटज का जैसे दर्द छिपा हुआ है, वो इस छल को समझे बगैर ठीक से नहीं समझा जा सकता। मुझे लगता है इस किताब की एक उपलब्धि जारी है कि आचार्य हजारी प्रसाद जी के जीवन को भी कई तरह से समझने की कोशिश की गई है। जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी का लेख है, बाद पूरी किताब हजारी प्रसाद जी के जीवन पर उसकी आई है, तो जिस तरह से उन्होंने बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अनेक आचार्यों के व्यक्तित्वों पर बात की है और उसके बीच में त्रिवेदी जी को रख करके उनके सांकेतिक रूप से बहुत सी बातें कहने की कोशिश की है, तो उन सबको शिव प्रसाद जी की किताबें नहीं देखा जा सकता। तो कुल मिलाकर के यह किताब हिंदी के पाठकों के आगे बहुत सारी नई बातें लेकर के आएगी और इसकी भूमिका में बहुत विस्तार से शिवप्रकाश जी ने अपनी काव्यात्मक शैली में, अपनी ललित शैली में, और मैं फिर कहूंगा कि उनके गद्य को भी कविता की तरह पढ़ने की कोशिश अगर की जाए तो
अर्थ पूरा पूरा समझ में आता है। तो यह एक उपलब्धि है सेतु प्रकाशन को, इसके लिए हिंदी समाज की तरफ से बधाई होनी चाहिए और साधुवाद होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि यह किताब जब आएगी हिंदी पाठकों के बीच जाएगी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक बार फिर से कुछ नई बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य थे और जब आपने अपनी पुस्तक का नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य, मेरे सामने जब पहली बार इसका प्रिंट आया तो मैं इस जागतिक शब्द को ही देखकर चौंका। ये जागतिक आचार्य क्या है? इसके बाद जब थोड़ा सा मैं पलटने लगा और इस किताब की भूमिका को मैंने देखा तो जिस तरह से इस शब्द से मैं चौंका था उसी तरह से श्री प्रकाश जी भी चौंके हैं। और जागतिक के साथ जगत और जागृत जिस रूप में जुड़ता है इसका उन्होंने लंबा विश्लेषण किया है, लंबी बात की है इस पर। मित्रों, इस किताब की जो अच्छाई है उसे शिव प्रसाद जी की किताब के साथ रख करके कमलेश वर्मा ने काफी कुछ उद्घाटित कर दिया है। मुझे तो सबसे बड़ा तोष, सबसे बड़ा संतोष इस बात से हुआ कि इस किताब के संपादन क्रम में श्री प्रकाश जी ने एक लंबी भूमिका लिखी है। आजकल संपादक अपने से कुछ नहीं लिखता, एक दो पेज में कुछ अपनी बात कह करके वह निकल जाता है और संपादक के कार्य को, शब्दावली तो थोड़ी शब्द मेरे वैसे होंगे लेकिन एक तरह से वह संपादक के कार्य को या उस कार्य की निंदा ही करता है, अपनी भी निंदा करता है। यह मुझे संतोषजनक लगा कि कम से कम इस पुस्तक में एक लंबी भूमिका है और उस लंबी भूमिका के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के जितने पक्ष हो सकते हैं उन पक्षों को उजागर करने की कोशिश की गई है। यह तो हुई भूमिका की बात। इसके बाद जब मैंने इस किताब के कंटेंट को देखा, विषय सूची को देखा, जिस बात को कमलेश ने किया, तो मुझे इस पुस्तक की विषय सूची में तीन पीढ़ी के रचनाकार नजर आए। पुरानी पीढ़ी, बीच की पीढ़ी, आज की पीढ़ी। किसी बड़े रचनाकार को जब समझना हो तो हमें उसे काल के प्रवाह में रख करके देखना पड़ता है। बिना काल के प्रवाह में रखकर देखे हम उसकी मुकम्मल पहचान नहीं कर सकते। जाहिर है शिव प्रसाद जी की किताबों में अगर कुछ पक्ष छूटा होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि किसी रचनाकार के विवेचन और विश्लेषण के क्रम में अगर लगातार नए पक्ष जुड़ते जा रहे हैं, समय के प्रवाह में नए पक्ष उसमें शामिल होते जा रहे हैं तो यह रचनाकार की बड़ी विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम जब भी उनके मूल्यांकन के क्रम में प्रवृत्त होंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, तब उसमें कुछ न कुछ नया जुड़ता जाएगा। हर बार चर्चा के क्रम में यह लगेगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, उसी छूटे हुए को समेट लेना आगे के रचनाकार का या आगे के संपादक का कर्तव्य होगा,
कार्य होगा और इस कार्य को श्री प्रकाश जी ने भलीभांति किया है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो, उन बातों के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात ना हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात ना हो, बनारस की बात ना हो, तो यह हम सबको आश्चर्यजनक लगेगा। यह भी हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कार्यों के विश्लेषण के क्रम में अक्सर हम उन्हें समानांतर खड़ा करके और गुणों दोषों की पड़ताल करते हैं। गुण और दोष की पड़ताल करना आलोचना का कर्म है, आलोचना का धर्म है, लेकिन उन गुण दोषों की पड़ताल करते हुए एक सीमा से बाहर चले जाना आलोचना पर प्रश्न चिन्ह भी है। मैं पुराने समय, कुछ 4-5 साल 7 साल पहले की बात को याद करता हूं, या और पुरानी होगी, नामवर जी तब ठीक थे, बातचीत हो जाती थी। मैं बहुत दिनों से इस तलाश में था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल पर कितना लिखा है, कितना कहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ते हुए आप लोग देखे होंगे कि आजकल पर और उन सब चीजों के संदर्भ में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल पर बात की थी, लेकिन मुझे एक दूसरा तथ्य मालूम हुआ कि 1953 में शांतिनिकेतन विश्वभारती, वहां एक व्याख्यान माला आयोजित की गई थी और उस व्याख्यान माला का नाम दिया गया था, यदि मैं लिखता, उसमें 8-10 बड़े महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसमें व्याख्यान दिया था कि यदि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता, दिनकर जी ने भाषण दिया था कि यदि मैं कामायनी लिखता, जैनेन्द्र कुमार ने भाषण दिया था कि यदि मैं गोदान लिखता है। उस भाषण को पढ़ करके, द्विवेदी जी के भाषण को पढ़ करके, मुझे ये लगा कि जितने संतुलित और आदरपूर्ण तरीके से द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद किया है, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया है और कुछ स्थलों पर उनके कार्यों से अपनी असहमति जाहिर की है, यह बताया उन्होंने कि मैं हिंदू साहित्य का इतिहास लिखता तो उसका रूप कुछ दूसरा होता, लेकिन रूप कुछ दूसरा होता, ढांचा वही होता। ढांचे पर बहुत बहस नहीं है, बात अनेक बार इस पर हो चुकी है, मैं इस पर बहुत विस्तार से आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इस चीज से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जिस विचार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, वह लोक था। रेखांकित किया है उन्होंने कि जो शुक्ल जी के यहां शिक्षित
जनता है, यहां शुक्ल जी की सीमा है। हिंदी साहित्य में लोक का प्रवेश पहली सहस्राब्दी में ही हो गया था। पहली शताब्दी से ही लोक की बात होने लगी थी और उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर आगे आकर के दिखाई देता है। इस परंपरा को द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित किया और यह भी लिखा, उन्होंने कहा यह अपने भाषण में, हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी रचना है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिख सकते थे, उनसे कमतर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता था। है मतभेद है, लेकिन उन मतभेदों का कारण समय का प्रवाह है, काल का प्रवाह है, पुस्तकों की उपलब्धि है, नए साहित्य का सामने आना है। आजकल की तमाम ऐसी सामग्री जो शुक्ल जी के सामने नहीं थी, वह द्विवेदी जी के सामने थी। लोक का वह स्वरूप जो शुक्ल जी के यहां शिक्षित जनता तक ही सीमित रह गया था, नाथ सिद्ध और जैन साहित्य शुक्ल जी ने बाहर कर दिया था, लेकिन अपनी लोक परंपरा से जोड़ करके द्विवेदी जी ने उसे रखा और यह समय के प्रवाह के साथ मिलती हुई सामग्री का इसमें एक बड़ा योगदान था और उसके विवेचन विश्लेषण की कोशिश थी। मुझे याद आता है द्विवेदी जी ने जो माना है, जब तक हम अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह से निचोड़ नहीं देते, तब तक हमें पूर्णता की या अपने उद्देश्य की संप्राप्ति नहीं होगी। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व कई रूपों में फैला हुआ था। उनका लेखन कार्य आलोचना में भी है, साहित्य के इतिहास में भी है, परंपरा पर भी है, संस्कृत साहित्य पर भी है, निबंधों में है। और अभी जिस रूप की कमलेश चर्चा कर रहे थे कि उनके कवि रूप की भी है, कवि रूप थोड़ा बाद में सामने आया जब मुकुंद द्विवेदी ने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई कविताओं का संकलन तैयार किया और प्रकाशित कराया। तो द्विवेदी जी के इन रूपों को समझने के लिए, इसके अलावा और बहुत से रूप हैं जो आप लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, संस्कृति से, परंपरा से किस तरह से उनका जुड़ाव था और उस जुड़ाव को उन्होंने किन किन रूपों में अभिव्यक्त किया है, यह भी देखने की चीज है और महत्वपूर्ण चीज है। मैं इन बातों की चर्चा मात्र इसलिए कर रहा हूं कि इन सभी पक्षों पर बड़े मुकम्मल ढंग से इस किताब में विवेचन किया गया है। इस किताब में वे लेख हैं जिनके माध्यम से हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी व्यक्तित्व के उनके सभी मजबूत पक्षों पर बात कर सकते हैं। मित्रों, आज जब आलोचना की स्वतंत्र पुस्तकें कम लिखी जा रही हैं, उस समय अगर कोई संपादित पुस्तक भी एक विचार क्रम में आती है, वैशिष्ट को उद्घाटित करती है, पूरी परंपरा को समझती है, तो उस किताब का एक विशेष महत्व होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस किताब के माध्यम से द्विवेदी जी को समझने के कुछ नए आयाम खुलेंगे और श्री प्रकाश जी का श्रम सार्थक होगा
मैं उन्हें एक मुकम्मल पुस्तक के संपादन के लिए अपनी तरफ से साधुवाद देता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवप्रकाश जी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और कविता में भी वो चौंकाते रहते हैं। लोक की अपनी परंपरा से जब वो प्रधानमंत्री के शहर में आगमन पर लिखते हैं तब भी चौंकाते हैं, जब रेत की आकृतियां लिखते हैं तो चौंका। कविता में भी निरंतर उन्होंने कुछ ऐसे नए काम किए, ऐसे नए प्रयोग किए जो मुझे अच्छे लगे और मैं उसको चौंक कर भी देखता रहा और प्रसन्न होकर भी देखता रहा। आलोचना वो लिख रहे हैं शुरू से, नागवर जी पर एक किताब उनकी रही है नागवर की धरती, वगैरह जानता हूँ, लेकिन इधर आलोचना में भी जो नई सिद्धांत की उन्होंने दी, विशेष रूप से इसके आने के बाद ये जो आपदा हमारे सामने है कोरोना की आपदा में, तो इस तरह से आपदा के समय में और महामारी के समय में जो कविता की परंपरा है, पहले भी तो रैदास से लेकर अब तक की परंपरा को समझते हुए गुरु जी भी कविता की एक नई अवधारणा रखी, वहां भी उन्होंने मुझे चौंकाया और मैं प्रसन्न हुआ। और अब ये जो संपादित किताब है ये भी चौंकाने वाली ही किताब है, अच्छी लगी। तो पहला तो ये नाम ही इसका जागतिक आचार्य, और इसकी व्याख्या उन्होंने की है, और अभी ओम प्रकाश जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी सब पर ध्यान दिया, इस पर बातचीत भी हुई। तो मुझे जो लगा पहले पढ़ने के पहले, फिर पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि ठीक है, प्रकाश जी ने और आचार्य हरिचंद्र द्विवेदी ने जैसे समझा है और उसको इन्होंने जैसे समझा है उस हिसाब से रखा है कि जगत और जागृति दोनों के अर्थ को लिया है। लेकिन मुझे ये लगा कि ये हिंदी में या हमारी भाषा में, ऐसे तो हमारे गुरु थे आचार्य जानकी और लोग शास्त्री को कहते थे कि कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होता, हर शब्द का अपना अर्थ होता है, एक निर्दिष्ट अर्थ, स्पेसिफाइड मीनिंग एक जो होता है, एक जनरल मीनिंग में पर्यायवाची हमेशा होता है, लेकिन शब्द से कई बार जब विशेषण संज्ञा जब विशेषण के रूप में बनता है तब तो उसका हमेशा ही एक विशिष्ट अर्थ हो जाता है। तो जैसे सूर्य से जब सौर्य बनता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है, सूर्य से जब सौर बनता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है, अर्थ बदल जाता है वहां जब, हालांकि दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों उसी के कारण बने हुए शब्द हैं। तो उसी तरह से इसमें भी हमें लगा कि संसार, विश्व और जगत ये तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन सांसारिक का एक दूसरा अर्थ है और वैश्विक का भी एक दूसरा अर्थ, जागतिक का एक तीसरा और एक अद्भुत अर्थ है। और बल्कि इस पर चर्चा करने के पहले अभी दो किताबों की बड़ी चर्चा हुई और वो ठीक भी है, जो शुभशाह जी द्वारा संपादित पुस्तक और ये इस संपादित पुस्तक की, लेकिन इन दोनों किताबों के बीच में, हालांकि एक तो बाद में किताब आई लेकिन तब अब वो बीच में हो गई है, जब पत्रिका निकली थी तब तक व्योमकेश दरवेश त्रिपाठी जी किताब नहीं आई थी, लेकिन दोनों की दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, दूसरी परंपरा की खोज और व्योमकेश दरवेश। अब इस दोनों में देखिए तो एक सांसारिक आचार्य के रूप में द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है उसको सबसे पहले त्रिपाठी जी लाते हैं और उसके माध्यम से उनकी विचार यात्रा तक भी जाते हैं, उनकी वैश्विकता तक जाते हैं। ठीक इसके उलट नागवर जी एक बड़े वैश्विक आचार्य के रूप में द्विवेदी जी को रखते हुए सिर्फ द्विवेदी जी के जीवन ही नहीं बल्कि उस पूरी परंपरा आलोचना की और की परंपरा की बात करते हैं। और ये जागतिक जो मुझे शब्द लगता है इसमें दोनों शब्द के अर्थ अंतर्निहित हो जाते हैं, इसकी व्यापकता ज्यादा अधिक है। जागतिक वह है जो सांसारिक भी है और वैश्विक भी है, और ये द्विवेदी जी थे, और इसको द्विवेदी जी ये थे इसको बहुत संपूर्णता में अपनी भूमिका में समझा है शिवकाश्य। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व वक्ताओं को, उन्होंने इतना समय लिया कि मेरे लिए कम समय बचा, तो कम समय के बहाने में निकलने का आशा है। लेकिन देखिए कि जो महत्वपूर्ण बातें जो दिखाई देती हैं कि उनके लेखन को समग्रता में समझने के लिए बहुत सारे सूत्र निकलते हैं जो शिवप्रकाश जी ने निकाले हैं उनके लेखन के आधार पर, उनके पूरे मूल्यांकन के आधार पर जो बातें इन्होंने की है उस बीच में लंबी भूमिका है। लंबी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा ओम प्रकाश जी कर चुके हैं, तो उस
फिर उसको उसमें मैं नहीं जाऊंगा उस दोहराव में, लेकिन वो उन्होंने कुछ बातें ऐसी रखी जिसके माध्यम से बहुत ठीक से उनको समझा जा सकता है, जिसमें सब पर ने 5-6 पॉइंट अभी मैं इसमें बात करूंगा थोड़ी सी ही। भौतिकता की पक्षधरता, आचार्य थे वो और भारत की आध्यात्मिक परंपरा जो है सांस्कृतिक परंपरा के का जितना गहरा ज्ञान उन्हें था उतना बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन वो अंततः भौतिकता के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा भी है कि उसको उसके पूरे विस्तार से कि भौतिकता के पक्ष में कहां बीच बीच में वो बोलते हैं उसकी उसकी पूरी व्याख्या है इस भूमिका में। दूसरी चीज है सौंदर्य की या सुंदरता की नई व्याख्या, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा समझता है कि संघर्ष को विराट से शिक्षा के अनुरूप उसको समझ देखने की। तो संघर्ष के सौंदर्य की जो अवधारणा है उसमें संघर्ष की अवधारणा को भी लाना एक नई चीज थी और उसके माध्यम से समग्रता से उसको समझा गया है, इसके भी विस्तार में नहीं। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, क्योंकि जब दो धाराओं की बहस चलती रही है हमारे यहाँ अभी भी चलती है लेकिन अब हम लोग उसको थोड़ा दूसरी तरह से रूप देते हैं, समाज और व्यक्ति, व्यक्ति केंद्रित लेखन और समाज केंद्रित लेखन की बातें बहुत होती रही है हिंदी में ही नहीं दुनिया भर में होती रही है, इसमें क्या प्रमुख है। लेकिन ये नई अवधारणा तो आई अब जा करके, अब बातें होने लगी है कि व्यक्ति का सच जो है और समाज का सच वो दोनों एक भी हो सकता है और एक होना चाहिए और एक हो तभी एक आदर्श रचना होती है। लेकिन उसको अपनी तरह से द्विवेदी जी ने कैसे समझा था बहुत सूत्र में, उसका सूत्र भी लाते हैं वो हैं श्री प्रकाश जी, जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति मनुष्य और समष्टि मनुष्य दोनों में मनुष्य सब करके व्यक्ति मनुष्य और समष्टि मनुष्य, तो मनुष्य के इन दो रूपों के माध्यम से वो ये व्यक्तियों और समाज के अंतर संबंधों को ही नहीं समझा है, उसकी व्यापकता को एक अवधारणा के भीतर समेटने की जो कोशिश है द्विवेदी जी की उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। फिर दूसरी चीज है कि देखिए भारतीय परंपरा जो मूलतः आध्यात्मिक परंपरा है, द्विवेदी जी बार बार भौतिकवाद से उसका सामंजस्य बिठाते हैं, इस पक्ष का भी विश्लेषण बहुत ठीक से 2-3 पैराग्राफ में किया है अब उन्होंने, और उस विश्लेषण को दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इन चीजों ये चीजें महत्वपूर्ण बनाती हैं उनकी उस भूमिका को। फिर एक जो एक एक इसमें भूमिका में एक उपखंड भी है अविच्छिन्नता, और अविच्छिन्नता की अवधारणा को जिसमें सब जाहिर है कि अविच्छिन्नता का मतलब भी वो समग्रता भी है, उन्होंने अपनी तरह से इस अवधारणा की व्याख्या जो द्विवेदी जी के पक्ष से एक अपनी नई व्याख्या की है सो रही है, द्विवेदी जी का इसमें क्या पक्ष है उस पक्ष को रखा है और उसकी व्याख्या उन्होंने की है। और द्विवेदी जी के का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहीं उन्होंने उद्धृत किया है कि मंत्रविद होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मविद होना। अब ये जो पूरा का पूरा जो मंत्रविद होना और आत्मविद में जो एक चैतन्य है जो एक जागरण है और मंत्रविद में जो एक कर्मकांड है, अब देखिए कि द्विवेदी जी जैसा कि हमें जाहिर है कि उनके सामने जाने का मुझे अवसर भी नहीं मिला, लेकिन जो किताब है त्रिपाठी जी वाली ओमकेश दरवेश उस किताब में जो बताया कि द्विवेदी जी ने कई बार अर्थोपार्जन के लिए जाकर उन्होंने कर्मकांड भी कराए और उससे कुछ अर्थ अर्जन किया अपनी पढ़ाई लिखाई के समय में, तो कर्मकांड के ज्ञाता होने के बावजूद और कभी कभी श्रम के रूप में उस कर्म का उपयोग करने के बावजूद अगर वो कहते हैं कि मंत्रविद होने से आत्मविद होना कहीं ज्यादा अच्छा है, तो इसी से पता चलता है कि उस पूरी कर्मकांडी परंपरा के विरुद्ध वो खड़े होते हैं और जो नया यथार्थ है उसको सामने लाते हैं। और वो इस तरह से है कि इन सारी चीजों को देखने के लिए एक वाक्य श्री प्रकाश जी ने बहुत अच्छा लिखा कि वे संस्कार से परंपरावादी और मन से आधुनिक थे। अब ये ऐसा व्यक्ति है, इसके यह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को समझने का एक बहुत ही सूत्र वाक्य है कि द्विवेदी जी संस्कार से तो परंपरावादी थे लेकिन मन से आधुनिक थे, तो उनकी आधुनिकता और उनका उनके जो परंपरा के प्रति जो उनका लगाव है उसको इसके माध्यम से समझा जा सकता है। और एक बात और भी
बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने उन्हीं की ही बात कही है, जिसको हम लोग आज भी कहते हैं, जिसको कई बार, जिसको केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में कहने की कोशिश की और आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जहां पर त्रिवेदी जी मस्तिष्क के साथ रीढ़ के होने की बात करते, ज्ञान के साथ साहस का होना, जिसे केदार जी कहते हैं कि ठंड से नहीं मरते शब्द, शब्द यानी ज्ञान, ठंड से नहीं मरते, मर जाते हैं साहस की कमी से। तो इस पक्ष को भी ज्ञान से जोड़कर उन्होंने परंपरागत चिंतन करने वाले जो मध्ययुगीन विचारों वाले लोग हैं उनसे, उससे बिल्कुल अलग आधुनिक विवेक से ज्ञान को जोड़ा है, जिसमें ज्ञान का उपयोग परिवर्तन और बदलाव के लिए किया जाना अपेक्षित होता है। तो इस दृष्टि से जब आप देखें, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस भूमिका को ही पढ़ने से लगता है कि भले ही एक बहुत ऐतिहासिक और बड़ा मूल्यांकन दो उनके महान शिष्यों के द्वारा, महान इसलिए करा, वो अपने अपने अन्य कर्मों से भी महान रहे हैं, डॉक्टर नामर सिंह और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया है, उसके बावजूद समग्रता में उनके मूल्यांकन की एक जरूरत बची हुई थी, जिसको भूमिका के माध्यम से, और जाहिर है कि इस भूमिका का ही विस्तार, ये भूमिका जिस तरह से द्विवेदी जी के विचारों से ये भूमिका आई है, उसी तरह से कहा जाए कि इनमें आलेखों में भी, अलग अलग आलेखों में इस तरह के विचार है, एक समग्र मूल्यांकन की बहुत कोशिश इसमें है। देखिए, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और चिंतन दोनों में एक पेचीदापन है, दोनों पेचीदे हैं, और वो पेचीदापन उनका निजी नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का जो पेचीदापन है, भारतीय संस्कृति में जो पेच है, तमाम चीजें हैं उसी से बना है। तो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को जब हम समझ ले ठीक से, अगर तो बहुत संक्षेप में पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है और परंपरा को और उसकी जटिलता को भी हम समझ सकते हैं। तो एक ऐसे सांस्कृतिक व्यक्तित्व थे जिनमें वो चीजें थी, वो जटिलता, उस पूरी जटिलता को आत्मसात किए हुए भी थे और आधुनिक भी थे। तो इस तरह से इस पुस्तक के माध्यम से द्विवेदी जी को समग्रता में समझने का ही एक उपक्रम नहीं है यह पुस्तक, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा, भारत की सांस्कृतिक दृष्टि और इतिहास दृष्टि को समझने की भी का भी गवाक्ष खुलता है इससे, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाएगी आगे चल के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण इसमें है। लेख तो इसमें अच्छे हैं, नित्यानंद तिवारी जी ने एक संस्कृति की नई अवधारणा के साथ लिखा, प्रफुल्ल कुलख्यान ने भी लिखा, और फिर इसमें त्रिपाठी जी का भी लेख है, और नए युवाओं, मैं लेखों की चर्चा नहीं करूंगा, रामज्ञा जी भी हैं और वैभव सिंह का भी लेख है, और इस तरह से सारे नामों की चर्चा कमलेश जी ने की है, और कमलेश जी ने और ओम प्रकाश जी ने जो बातें रखी है उन बातों को स्वीकार करते हुए मैं ये कह रहा हूं, तो फिर उनको उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये इस पुस्तक की उपयोगिता के इस पक्ष को देख रहा हूं कि ये एक ऐसा पक्ष है जिसमें हम उनके जटिल सांस्कृतिक व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय संस्कृति की जटिलता को भी समझने की एक खिड़की खुलती है इस पुस्तक के माध्यम से, ऐसा मुझे लगता है। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो एक संपादित किताब, एक संपादित किताब की बहुत खूबियां होती हैं, लेकिन एक संपादित किताब की सीमा भी होती है, एक संपादित किताब के श्रेय का संकट भी होता है कि संपादक को बहुत नहीं दिया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा संपादक जब एक बड़ी अवधारणा के साथ चीजों को रखता है और वो उसे संपादित करता है, वो फिर उस अवधारणा के अनुरूप अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग पक्ष पर लिखवाता है, तो समग्रता में जो चीज बनती है वो संपादक की ही चीज होती है। इसलिए इस सफल संपादन के लिए और एक अच्छे पुस्तक के संपादन के लिए मैं एक बार फिर, हमारी बधाइयां उनको लगातार मिलती रहती है, लगातार वो ऐसे काम करते रहते हैं, अभी है अच्छे काम, तो उन अच्छे कामों में एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण काम यह भी जुड़ गया है इस पुस्तक के संपादन। तो फिर शुभकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता। प्रिय मित्र और आलोचक गंभीर शोधार्थी कमलेश वर्मा जी, वरिष्ठ आलोचक और विपुल शोध दृष्टि संपन्न आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि मदन कश्यप जी, संचालन कर रहे अमिताभ राय जी, इसके नेपथ्य में कहीं
छिपी हुई इस कार्यक्रम की संयोजिका अमिता पांडे जी, यहाँ पर दृश्य जितने मित्र हैं उनके साथ जो अदृश्य भाव से हम लोगों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति मेरा अभिवादन। आप सब जुड़े रहे, आप सब ने 3 महत्वपूर्ण वक्तव्य इस पुस्तक पर सुने। निश्चित रूप से यह 3 महत्वपूर्ण वक्तव्य मेरे लिए गंभीर प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कमलेश जी ने बहुत ही सार्थक वक्तव्य दिया, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी ने बहुत ही सुचिंतित वक्तव्य दिया और मदन कश्यप जी ने बहुत ही व्यवस्थित वक्तव्य दिया। तो सार्थक, सुचिंतित और व्यवस्थित, इन 3 वक्तव्य के उपरांत अब मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है, और लेकिन बोलना है क्योंकि पुस्तक का संपादन मेरे द्वारा हुआ है और प्रकाशक ने इतना अच्छा आयोजन किया है, और इसके पीछे जो दृष्टि है हमारे समय के यशस्वी युवा आलोचक अमिताभ राय की, और जिस सुरुचि संपन्नता के दायरे में वे पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं, खुद एक बड़े लेखकीय सरोकार के दायरे में, उसके निश्चित ही मैं सेतु प्रकाशन के प्रति अपना आभार और अभिवादन व्यक्त करता हूं। इस कोरोना समय में भी उन्होंने इस पुस्तक पर, जिसे कह सकते हैं कि प्री बुकिंग परिचर्चा, जो कि पश्चिम की यानी जैसे बुक लॉन्चिंग सेरेमनी से आप कह सकते हैं, तो उसको जोड़ा इन्होंने, क्योंकि इसके बाद पुस्तक प्रकाशित होगी, इसका लोकार्पण होगा, इस पर फिर परिचर्चा होगी और हम लोग बार बार इस पुस्तक के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ जनों से इन टिप्पणियों के बारे में मैं समझने की कोशिश करूंगा। अब निश्चित रूप से द्विवेदी जी पर इस पुस्तक का संपादन 2007 में उनके शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हुआ था, और क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि शांति निकेतन से शिवालिक तक उनकी षष्ठी कृति पर 1967 में प्रकाशित हुई थी, और परिचय का यह विशेषांक 2007 में द्विवेदी जी की शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जब सेतु प्रकाशन इस पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है तो उस हिंदी विभाग का यह शताब्दी वर्ष है जिस हिंदी विभाग में कभी द्विवेदी जी कार्यरत थे और जिसमें मुझे सेवा करने का वर्तमान में अवसर मिला है। तो कुल मिला जुला करके शांति निकेतन से शिवालिक 67 से लेकर के परिचय के प्रकाशन 2007 से होते हुए आज 2020 में ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों का अपना विशेष महत्व रहा है। अच्छाइयां बुराइयां सब जगह होंगी, इसमें भी होंगी, उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ही जब पुस्तक प्रकाशित होकर के हाथ में आ जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रही थी तब भी और आज भी कि द्विवेदी जी के सभी पक्षों पर कुछ न कुछ यहाँ पर हो, जिससे शोधार्थी, शिक्षक और छात्र बहुत ही लाभान्वित हो सकें, सर्जक और लेखक तो लाभान्वित होते ही रहते हैं। अब उसका एक कारण यह भी है कि द्विवेदी जी बहुत एक तरह का बहुश्रुत और बहुविध लेखक रहे हैं, और इसी कारण से उन्होंने बहुविधात्मक लेखन किया है, विपुल बहुविधात्मक लेखन भी किया है, आलोचना, निबंध, कविता, ज्योतिष, बहुत सारे आयाम हैं, उपन्यास, इन सब को लेकर के अगर उनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक एक विधाओं पर बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं जिनका यहाँ पर अवसर नहीं है। इस पुस्तक में कुल 28 लेख हैं मेरी भूमिका को छोड़ करके, और उन 28 लेखों में निश्चित रूप से बहुत सामग्री ऐसी मिलेगी जो कि द्विवेदी जी पर अब तक उपलब्ध नहीं है। इतना ही, इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि परिचय के विशेषांक जो आया था उसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया है। जैसे हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के जो अंतरंग संबंध रहे हैं द्विवेदी जी के कार्यकाल में, द्विवेदी जी बनारसी थे,
शांति निकेतन यहाँ से गए, फिर यहाँ से शिवालिक गए, फिर बनारस लौट के आए, इस पर विस्तार से चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और इस बात को मैं जानता था कि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह के पास समय होता, उनके पास उस दौर के बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि जब वो आचार्य शुक्ल की ग्रंथावली संपादित कर रहे थे तो मुझे मालूम है कि द्विवेदी जी के बारे में भी बहुत कुछ तथ्यात्मक जानकारी उनके पास आई होंगी। जिन मुकुंद द्विवेदी की बात कर रहे हैं, असल में मेरा रुझान जब मैं 2005 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया उसके तुरंत बाद मुकुंद द्विवेदी से मेरी मुलाकात हुई। मुकुंद द्विवेदी रविंद्रपुरी में रहते थे, मुझे बहुत स्नेह करते थे और कुछ समय के लिए वो दिल्ली की संभवतः हिंदी अकादमी या किसी संस्था के वो वाइस चेयरमैन थे, और तो मैं 2-3 बार उन्हीं की वजह से वहां पर गया भी और उनसे बातचीत होती रही। कई सामग्री मुझे मुकुंद द्विवेदी ने उपलब्ध कराई, अब वो नहीं है, अपने घर भी ले गए वो पूरा स्वरूप जो रविंद्रपुरी का घर था और उसका पूरा इतिहास मुझे बताया। तो वो सब तो बड़े विस्तार की बातें हैं जिन तक मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन द्विवेदी जी को पढ़ना जो मैंने व्यवस्थित रूप से शुरू किया वो मुकुंद जी के संपर्क में आने के पश्चात, और खास बात मेरे मन में ये आती रही कि BHU बनारस बहुत सारी में संस्थाएं हैं, नागरी प्राणी सभा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, आचार्य शुक्ल शोध संस्थान है रविंद्रपुरी में, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बड़ी पीड़ा रही कि आचार्य द्विवेदी को लेकर के कोई भी संस्थानिक गतिविधियां बनारस में नहीं है। जो व्यक्ति जीवन भर जागतिक पक्ष पर जगत और प्रकृति यानी मनुष्य और प्रकृति संबंधों पर उनके संघर्ष पर बराबर सोचता रहा उसको लेकर के बनारस में कोई हलचल नहीं थी। तो मैंने कोशिश की उस पर, और इसकी मैंने भूमिका थोड़ी पीड़ा भी है उसमें मैंने लिखी है, उसको जो आप पुस्तक पढ़ेंगे क्योंकि लंबी भूमिका है उस पर जाऊंगा तो मैं बहुत समय जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ खास करके शीर्षक को लेकर के, क्योंकि वही सूत्र मिला मुझको जो मुझे अलग किया इस संपादन की प्रक्रिया में द्विवेदी जी पर सोचने के लिए। अब क्योंकि मैं बराबर तलाश रहा था कि द्विवेदी जी पर क्या चीज किस एंगल से मैं सोचूं, क्योंकि कोई ऐसी महान आलोचनात्मक पुस्तक लिखने का मेरा उद्यम तब भी नहीं था और आज भी नहीं है जब मैं अपडेटेड वर्सन मैंने कुछ नई सामग्री के साथ यह पुस्तक, क्योंकि सेतु प्रकाशन की ये जो पुस्तक है इसमें कई नई चीजें हैं, तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई बहुत बहुत महान कार्य करने जा रहा हूं, लेकिन द्विवेदी जी पर साधारण तरीके से उनके असाधारण व्यक्तित्व के बारे में सोचने की मैंने कोशिश अवश्य की है। और क्योंकि वो इतना विशाल व्यक्तित्व है आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल कि हम लोग कहीं से भी शुरू करेंगे पहुंचेंगे उन्हीं के यहाँ, इसलिए उसकी जो समस्याएं हैं उसकी जो जटिलताएं हैं उन पर भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब जागतिक पक्ष के बारे में मैं सोच रहा था द्विवेदी जी के बारे में तो जो उनकी पुस्तक लालित तत्व है तो लालित तत्व में उनका एक वाक्य आता है जो मुझे वहीं से आरंभ किया था मैंने जब मुझे बहुत अपील किया जब वो, और लालित तत्व पढ़ा था लेकिन मुकुंद द्विवेदी से जब मेरी बात होती थी तो लालित तत्व क्योंकि उन्होंने पूरी मुझे सूची दी थी 1936 में आचार्य द्विवेदी का सूर साहित्य नाम की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी वहां से लेकर के, और ये लालित तत्व की एक लंबी सूची मुझको उन्होंने दी थी और मुझसे कहते थे कि द्विवेदी जी को समझना हो और खास करके आप अपने, क्योंकि वो जानते थे मैं कविताएं लिखता हूँ और मैं बनारस में आ गया हूँ, उसके पहले मैं यहाँ नहीं था तो उसे मेरा संपर्क भी नहीं था, तो कहते थे कि लालित तत्व को आप पढ़िए आपके कवि मन को ही प्रेरणा मिलेगी और द्विवेदी जी को समझने की कुंजी भी आपको मिलेगी। तो उसमें एक वाक्य पर मेरा ध्यान गया जब पढ़ना शुरू किया था 2006 के आसपास, आज के करीब 14 साल पहले, तो उसमें एक वाक्य आता है कि स्थूल जगत को छोड़कर मनुष्य जी नहीं सकता और अपने देश काल की सीमाओं से अस्पृश्य रहकर कोई शिल्प सृष्टि नहीं कर सकता। अब ये जो स्थूल जगत को छोड़कर कोई मनुष्य जी नहीं सकता, ये जो जगत की स्थूलता है ये द्विवेदी जी के यहाँ बार बार आती है, उनके उपन्यासों में भी आती है और उनके निबंधों में भी आती है। तो ये जो जगत है असल में इसमें जगत के गति के व्यापने का भाव ही समाहित है और वही यानी जगत अगर है तो उसमें गति अवश्य है, गति को छोड़ करके जगत को नहीं समझा जा सकता, ये समझ मेरी द्विवेदी जी को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में ही
बनी, और वही मेरी इस पुस्तक की प्रेरणा स्रोत रही है। और इसमें तुलसी की याद का आना स्वाभाविक है कि सबसे भले विमूढ़ जिन्हें व्यापति जगत गति। अब जो जगत गति है, मैं तुलसी भी इस बात को, और आप सब जानते हैं कि तुलसी सुप्रति के साथ द्विवेदी जी को भी कितने प्रिय रहे हैं, तो जगत गति की जो व्यापकता है, मतलब जगत नहीं जगत गति की व्यापकता, यह शुक्ल जी ये द्विवेदी जी के यहाँ तुलसी के माध्यम से जिस तरह से आई, और उसके पीछे की जो पूरी परंपरा है, कबीर है, नाथ साहित्य, उसकी डिटेल्स में नहीं, लेकिन तात्कालिक रूप से कि जिन्होंने व्यापक जगत गति, तो जगत गति में जो मुझे बार बार जगत में गति की संभावना दिखाई देती है, वो मुझे एक बड़ी नई दृष्टि लगी थी द्विवेदी जी को पढ़ते समय, और जिसमें गति की गूंज को मैंने साफ साफ सुनने की कोशिश की, क्योंकि गति के बगैर ये जो जगत है रूढ़ है या रूढ़ हो जाएगा और ठहर जाएगा। अब इसकी समझ मुझे द्विवेदी जी की रचनाओं में इस कारण से मिली कि वो बार बार वो लिखते हैं कि मानवीय आदान प्रदान इन्हीं जागतीय प्रपंच जागतिक प्रपंचों के बाद चलता है। अभी जो जागतिक प्रपंच है, मानवीय व्यापार है, जगत गति है, ये बार बार द्विवेदी जी के यहाँ दिखाई देता है। और यहीं से द्विवेदी जी की जो सबसे बड़ी और व्यवस्थित कह सकते हैं कि समझ है, वो ये है कि पश्चिम की भारत व्याकुल आध्यात्मिकता को जवाब देते हैं। तो उनका जो जागतिक पक्ष है, असल में पश्चिम की जो भारत व्याकुल आध्यात्मिकता है, जिसमें पश्चिम के लोग बार बार कहते रहे कि भारत आध्यात्मिक है, ये है, वो है, यहाँ पूजा पाठ होता है, धर्म आडंबर होते हैं, द्विवेदी जी के इतिहास बोध में यह बात कहीं बैठी हुई थी, इसका उनको जवाब देना था। इसी नाते स्थूल जगत को बार बार वो रेखांकित में रचनाओं में करते हैं, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि भारत की भौतिकवादी चिंतन की जो उत्कृष्ट परंपरा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में आप देखिए कि पश्चिम के जो जो जगत के संबंधों को खुद भारत में वह समझने की कोशिश करते हैं, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था में समझने की कोशिश करते हैं, और बार बार वो समस्तगत चित्त की बात करते हैं। अब देखिए, जगत में गति आई और गति में समस्तगत चित्त आया, तो जगत गति के माध्यम से समस्तगत चित्त की ओर अग्रसर होता रहता है। ये उनकी जो वैज्ञानिक थियरी है, जो वैज्ञानिक शब्दावली है, यह भी मुझे, और उसके विस्तार से मैंने, जैसा कि मदन कश्यप जी ने बताया, मैंने विस्तार से इसकी चर्चा वहां पर की है और कई लेखों में इसके संदर्भ आए हैं। तो जो समस्तगत चित्त है, असल में यही है भारतीय मनीषा का कॉमन सेंस, जिसे मैं कहता हूँ सामान्य बोध, और यही जो है इसी के माध्यम से मनुष्य अपने सर्वोत्तम गुणों का विकास करता रहता है। तो अगर और सबसे बड़ी बात है कि इस जागतिक शब्द, जगत से जागतिक बन सकता है, बनाया जाता है, बनाया जा सकता था, लेकिन मुझे इस जागतिक शब्द का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दिखाई दिया, तो मैं आह्लादित हो गया। मैंने कहा इसका मतलब जो मैं सोच रहा था, द्विवेदी जी भी वैसे ही सोच रहे थे, या कम से कम उनके सोचने से मेरी जो सोच है कहीं कहीं तालमेल करती है। उनका एक बहुत ही अच्छा निबंध है जो अशोक के फूल में संकलित है, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। उसमें जो लिखा है कि कर्म फल के सिद्धांत ने जागतिक व्यवस्था के प्रति भी जनता को उदासीन बना दिया। अब जाग कर्म, इस पर मैं थोड़ा आगे इसका जिक्र करूंगा, लेकिन कर्म फल के सिद्धांत ने जागतिक व्यवस्था के प्रति भी जनता को उदासीन बना दिया, यह सूत्र वाक्य है जो भक्ति काल को समझने का आधार देता है, जिस पर विस्तार से यहां चर्चा नहीं है। लेकिन ये जो जागतिक शब्द का सर्वाधिक सटीक प्रयोग खुद द्विवेदी जी ने भारत की सांस्कृतिक समस्या नामक निबंध में इस रूप में किया है, तो असल में द्विवेदी का ये जो जगत है वह मनुष्य का प्रकृति से इसी जगत में संघर्ष की प्रक्रिया है, और सौंदर्य का सृजन इसी के माध्यम से होता है। तो ये जो जगत है जिसमें मनुष्य है तो उसके साथ प्रकृति है, मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष में उस सौंदर्य का सृजन होता है, जिसमें कि श्रम जनित आस्वाद कहीं न कहीं शामिल है, जिसको द्विवेदी जी अपने सौंदर्य की मीमांसा में बार बार बात करते हैं, और यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस जगत के माध्यम से वे जगत के बोध ही नहीं, बोध विवेक और वैराग्य तीन की बात करते हैं। यहां बोध जगत का बोध भी है, विवेक भी है और वैराग्य भी है। द्विवेदी जी केवल जगत के जागतिक बोध, जागतिक प्रपंच के
को समझना, उसके बोध की बात नहीं करते। वो कहते हैं यह बोध होगा तो उसके बाद विवेक आएगा जो आधुनिक चेतना है, और उसके बाद वैराग्य आएगा जो आगे की चेतना है। आधुनिकता का बहुत ही परिष्कृत रूप है, जिसे वैराग्य हो जाएगा। आप काम मनुष्य मात्र के मंगल इच्छा के लिए करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी अपेक्षा आप नहीं करेंगे। आप देखिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में जिस देव शिल्प बना मानुष शिल्प की बात की जाती थी, द्विवेदी जी यहाँ मानुष शिल्प के पक्षधर रचनाकार के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि द्विवेदी जी का जो पूरा व्यक्तित्व था वो असल में कबीर के विद्रोह, सूर्य के प्रेम और तुलसी के ऐश्वर्य से बना था। कबीर के विद्रोह, सूर्य के प्रेम और तुलसी के ऐश्वर्य से बना हुआ था, और मानव जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ था वो इन्हीं के माध्यम से समझने, इन्हीं रचनाकारों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अपनी रचनाकारों में। और यह अकारण नहीं है कि सूर्य के प्रेम तत्व से आरंभ करते हैं, जब 1936 में लगभग 30 वर्ष की अवस्था में सूर साहित्य लिखते हैं, जिसमें आगे चलकर कबीर और तुलसी अपने आप जुड़ते हुए चलते हैं। तो आप देखें कि सूर्य के प्रेम से आरंभ कर और तुलसी के ऐश्वर्य से जुड़ने वाले द्विवेदी जी ऐश्वर्य को किसी भी प्रयोजन से आगे की स्थिति मानते हैं। जहां पर प्रकाश होता है और कोई भी सर्जक शब्दों के माध्यम से वस्तु को इसी तरह प्रकाशित करता हुआ दिखाई देता है। तो आप जानते हैं कि जो शब्द होते हैं वो प्रकाश रूप होते हैं, और इसको भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय चिंतन में बार बार कहा गया है कि अगर शब्द नामक ज्योति संसार में न होती तो यह संसार घने अंधंडी ने तो बहुत है कि इद मंदह तमा कृष्णम जायत भुनोत्रम यदि शब्दाहयम ज्योति संसारम न दीप्यते। तो संसार में यदि शब्द रूपी ज्योति दीपित न होती यह संसार अंधकार के महासागर में विलीन हो जाता। यह बात मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि जो लोग द्विवेदी जी की परंपरा का, द्विवेदी जी का मूल्यांकन केवल कह सकते हैं कि छायावाद, उत्तर छायावाद या आधुनिक काल में कह सकते हैं कि 40 के बाद से और 2000 तक के बीच की रचनाशीलता में वो करते हैं, उन्हें बात जानना चाहिए कि द्विवेदी जी के लेखन का जो संवाद था वह 5000 सालों की इस भारतीय परंपरा से था। 5000 सालों की परंपरा से संवाद करने वाले आदमी को 50 वर्षों में समेटना चाहेंगे तो मुश्किल होगी। इसीलिए मुझे अच्छा लगा जब प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी उस पर उसका संकेत कर रहे थे कि एक विपुलता है, तो उसमें आप केवल उनको तात्कालिकता के आग्रहों से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब वो आदमी सूर्य के प्रेम से आरंभ करके तुलसी के ऐश्वर्य से जुड़ने की बात करता है तो कहीं ना कहीं प्रयोजन की बात नहीं होती, प्रयोजन की बहुत आगे की बात होती है, जहां पर प्रकाश शब्द प्रकाश रूप होते हैं जिसमें गति होती है। और गति ही नहीं, द्विवेदी जी ने प्रगति की बात की है। गति ही नहीं, गति के आगे प्रगति की बात की है द्विवेदी जी ने, जो गति के आगे की स्थिति है। तो यहां पर अगर काव्यशास्त्रीय शब्दावली में देखें तो जो चित्त वृत्तियां होती हैं तीन तरह की होती हैं, द्रुति होती है, दीप्ति होती है और विकास होता है। द्विवेदी जी द्रुति और दीप्ति से होते हुए विकास की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, जिसमें विमर्श शामिल होता है। और प्रकाश और विवर्त के माध्यम से जो विमर्श द्विवेदी यहां विकसित होता है उस वह आधुनिक भी है और अपनी जड़ों में परंपराबद्ध भी है। यानी परंपरा से, परंपरा के भीतर जो आधुनिकता के अक्ष मौजूद होते हैं द्विवेदी जी बार बार उसकी तरफ हमें ले जाते हैं, और इस बात को बार बार कहते हैं कि लोक से शास्त्र को संपन्न करने की जरूरत है। जिस पर बहुत पहले एक बार मजाक किया था नामवर सिंह ने कि लोक से चलोगे तो शास्त्र में पहुंच जाओगे, लेकिन शास्त्र से चलोगे तो लोक को कभी नहीं पाओगे। द्विवेदी जी लोक से चल करके, भोजपुरी लोग, बलिया के रहने वाले थे, बनारसी थे, और मेरी तो द्विवेदी से कभी मुलाकात, क्योंकि हम लोग तो उस तब जानते भी नहीं थे तो मुलाकात कोई चांस ही नहीं था, लेकिन जो लोग हैं बनारस में, जो मेरे मित्र मंडल हैं, जो उस दौर के लोग हैं, वो बराबर बताते हैं कि द्विवेदी जी हमेशा भोजपुरी में ही बोलते थे। आप सोचिए, भोजपुरी भाषा की मान्यता को लेकर के कई विवाद भी चले, वो अलग अलग मुद्दा है, लेकिन द्विवेदी जी भोजपुरी थे, भोजपुरी चेतना संपन्न व्यक्ति थे,
लोक संपन्न व्यक्ति थे जो बार बार शास्त्र की तरफ जाते हैं लेकिन अपनी लोक की जड़ों को वो कभी नहीं छोड़ते। इस कारण मैंने कहा कि द्विवेदी जी विकास की प्रक्रिया से जुड़ने वाले रचनाकार थे और दीप्ति मूलक विमर्श उनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में मैं कहना चाहता हूं पहली बात वो कि द्विवेदी जी दीप्ति मूलक विमर्श के रचनाकार हैं और इस पुस्तक के कई लेख में आपको इस दीप्ति मूलक विकास की प्रक्रिया और उसकी संभावनाओं पर आपको कुछ न कुछ मिलेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे। तो दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण पक्ष था वो प्रेम था और आप जानते हैं कि द्विवेदी जी ने प्रेम के पक्ष को लेकर के जिन पर की चर्चाएं होती रही हैं लेकिन बार बार उस पर चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि इसी आधार पर उन्होंने सूरदास की नई व्याख्या की थी की है 1936 में पहली किताब उनकी सूर साहित्य है। और सबसे बड़ी बात यह है उसके विस्तार में भी यहाँ नहीं जाऊंगा और आप किताब को पढ़ेंगे और जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे लेखक मित्र हैं जब उसको पढ़ेंगे तो खुद उनको पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती भक्तिकाल की व्याख्या में थी उस समय द्विवेदी जी के यहाँ वो भक्तिकाल को ईसाइयत प्रभाव माना जाता था और ईसाइयत प्रभाव बनाम अपनी जो जो आत्मीय परंपरा के विकास की बातें थी द्विवेदी जी ने सूरदास के प्रेम को आधार बनाकर के भक्ति काल के ईसाई प्रभाव की अभिव्यक्ति को मानने से इनकार कर दिया था। आपकी आवाज कट रही है सर। अब आ रही है? हेलो हेलो वीडियो ऑफ कर आवाज नहीं आ रही है। आवाज एकदम ठीक आ रही है। आवाज आ रही है कमरे किसी जोर होगा लग रहा है। कमले जी अपने आप ना तो म्यूट कर दीजिए शायद आवाज साफ जाए। तो ये जो ईसाइयत का प्रभाव क्योंकि ये चीजें खास करके जो यहाँ पर जुड़े हुए नई पीढ़ी के युवा रचनाकार हैं हमारे जो वरिष्ठ पीढ़ी के लोग हैं जो हमारे साथ सामने जुड़े हुए हैं जो लिख पढ़ रहे हैं वर्षों से वो तो जानते हैं लेकिन ये नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि प्रेम ही वह पक्ष था सूर साहित्य में जिसमें कि द्विवेदी को आधार बनाकर के भक्ति काल के उदय की व्याख्या को ईसाइयत के प्रभाव से मानने से नकार दिया। तो यह बड़ी बात है और इसी नाते वो प्रेम को भारतीय परंपरा में देखने की कोशिश करते क्यों। अब देखिए एंगल जरा देखिए बड़ा व्यवस्थित प्रेम को वो शक्ति संपन्न मानते हैं और वो बार बार कहते हैं कि जड़ोन्मुखी प्रेम ही चिदोन्मुख होकर भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। उनकी शब्दावली आप देखें कि जड़ोन्मुख प्रेम ही चिदोन्मुख होकर भक्ति में रूपांतरित हो जाता है और यही प्रेम है जो अवसाद से मुक्त करता है और जिसमें स्पर्श की आकांक्षा होती है। आज कोरोना काल में यह स्पर्श सबसे ज्यादा आहत है। यहाँ बैठे मदन कश्यप जी ने स्पर्श श्रृंखला पर कई कविताएं लिखी हैं। मैंने स्वयं इस दिशा में बहुत सोचने की कोशिश की है जो स्पर्श आज कोरोना काल में सबसे अधिक बाधित है। द्विवेदी जी उस प्रेम जनित स्पर्श की ताकत को सोचिए 5000 साल की परंपरा से व्यवस्थित और व्याख्यायित करते हैं और पूरी की पूरी ईसाइयत के प्रभाव की थ्योरी को नकार देते हैं। तो ये पर इस पर भी एक पक्ष है जिस पर की बात हम लोग कभी आगे मौका मिलेगा तो विस्तार से करेंगे। तो ये जो स्पर्श मूलक आकांक्षा है जिसमें पर्याप्त गति है वह मिलन की तरफ बढ़ती है। द्विवेदी जी के यहाँ बार बार मिलन की तरफ बढ़ती है मतलब प्रेम है स्पर्श है और उसकी आकांक्षा है और उसमें मिलन की तरफ जो प्रवृत्ति है जिसके अनेक प्रसंग आपको उपन्यासों और निबंधों में मिल जाएंगे। और इसी यही आधार है कि द्विवेदी जी की जो स्त्रियां हैं उनके उपन्यासों फैली हुई बाणभट्ट की आत्मकथा से लेकर के और चारुचंद्र लेख से होते हुए आप चले जाइए तो आप देखेंगे कि उनकी जो स्त्रियां हैं इसी गत्यात्मक क्रियाओं के साथ दिखाई देती हैं और यही यह प्रेम का उच्छलित आवेग है। बाणभट्ट की आत्मकथा तो बहुत प्रसिद्ध उनका उपन्यास ही है उसमें भट्ट और न्यूनिया के प्रेम के को तेज की चिंगारी माना गया। स्वयं कहा गया है कि भट्ट और न्यूनिया का जो प्रेम वो प्रेम वो प्रेम के तेज की चिंगारी है जहां स्पंद है स्पंदन है और खास बात यह विश्वास है कि जहां प्रेम होगा वहां स्पंद होगा और जहां स्पंद होगा वहां पर शोषण कभी नहीं हो सकता। तो प्रेम को जरा देखिए स्पंद से जोड़ करके शोषण के विरोध से कैसे द्विवेदी जोड़ते हैं
यह उनकी थियरी है, उनकी थेसिस है, और यही वजह है कि प्रगतिशील समाज में इस स्पंद की जरूरत की शिनाख्त वो बार बार करते हैं, और इसी कारण वो द्विवेदी जी रीढ़ को बहुत महत्व देते हैं। वो बार बार इसके बारे में ओम प्रकाश सिंह जी ने कहीं बोला भी कि उसके उस संदर्भ में व्याख्या आगे थोड़ा सा एक लाइन करना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि रीढ़ ही बताती है कि मनुष्य की चेतना की दिशा क्या होगी। आप सोच सकते हैं कि इस जमाने में रीढ़ की कितनी जरूरत है और कितने रीढ़ विहीन पैदा हो गए हैं। हर व्यवस्था में कितने रीढ़हीन पैदा हो गए हैं, जबकि जरूरत कितने रीढ़ की है, कि जो रीढ़ होती है वही आपकी आत्मा की आधारशिला होती है, वही आपके चित्त और चेतना को ढोती है। द्विवेदी जी ने ये जो इमेज खड़ी की है, खास करके जो स्वाभिमान को लेकर के, साहसिकता को लेकर के, रीढ़ को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी से मतलब ज्ञान की बात अपनी जगह पर है, विवेक की बात अपनी जगह पर है, लेकिन उसको उनको पढ़ते हुए कम से कम मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है जब उससे मैं देखने की बातें कर। और इस क्रम में तीसरी और आखिरी बात करना चाहता हूं संक्षेप में कि जो कर्म फल का सिद्धांत है वह द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण है, और कर्म फल के सिद्धांत पर द्विवेदी जी ने का ये चिंतन बहुत मौलिक है। क्योंकि देखिए निबंधों पर, उनके उपन्यासों, अलग अलग भाष्य का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, उतने उसके घंटों समय जाएगा, लेकिन ये आखिरी बात करके अपनी बात में समाप्त करूंगा। क्योंकि यही वह पक्ष है जो बहुत ही मौलिक है, और पुस्तक में आपको इस कर्म फल के सिद्धांत पर बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगी। अब इस सिद्धांत को भारतवर्ष की जड़ता से जोड़ करके द्विवेदी जी देखते हैं, यानी कहते हैं कि भारतवर्ष की जो मध्यकालीन जड़ता है वो कहीं और से नहीं आई है, वो यहाँ के पारंपरिक कर्म फल सिद्धांत के कारण आई है कि जो जहां पैदा हुआ उसी में मरा खपा, उसकी कोई मुक्ति नहीं हो सकती। आप ये देखिए कि जिस कर्म फल के सिद्धांत को रिनंसिएशन इन एक्शन नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन गीता जैसे वाक्य में, गीता ऐसे महान ग्रंथ में उद्धृत किया गया, उस कर्म फल के सिद्धांत को किस तरह से मध्यकालीन साहित्य की व्याख्या के संदर्भ में द्विवेदी जी उसको नई एंगल देते हैं, अगर किसी उस तरह के आडंबर के या बड़े लाउड स्वर के कैसे उसको स्वर देते हैं, और बार बार कहते हैं, जोर देते हैं कि इस कर्म फल का सिद्धांत ही असल में जैसे जैसे तोड़ा गया वैसे वैसे जगत व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ता गया, और इसे ही उन्होंने संत मत की स्वाधीन चेतना से जोड़कर देखा है। इस संदर्भ में वे बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं, जिस पर कि मैं यहाँ पर अब विस्तार के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। तो आखिर में ये कि जो द्विवेदी जी हैं वो विराटता में सोचने वाले रचनाकार हैं, बहुत विराट विपुलता में सोचने वाले रचनाकार हैं। छोटी छोटी असफलताओं से भी कभी निराश नहीं हुए, संघर्ष को ही स्वभाव में रूपांतरित कर दिया। ये देखिए स्वभाव अपने अधीन, संघर्ष को ही द्विवेदी जी ने स्वभाव में रूपांतरित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य यह होना चाहता है जो उसका श्रेय है, और यही समस्तगत चित्त के अनुकूल होना है। इसीलिए द्विवेदी जी के यहाँ जो संघर्ष दिखाई देता है वो असल में समस्तगत चित्त से जुड़ने का संघर्ष है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी भाग के उस दौर की जो राजनीति थी, बनारस की जो गतिविधियां थी, उनको लेकर के जो यहाँ पर तरह तरह के विडम बनाए थी, उसका उदाहरण दे सकता हूँ। उसका बहुत अपडेट करके मैंने जिक्र भी किया है इस पुस्तक में, बिल्कुल जो पहले नहीं था उसको मैंने उसका अपडेट भी किया है, और कई उसके आयाम भी मैंने रखने की संक्षेप में कोशिश की है। तो उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा कि कैसे जगन्नाथ प्रसाद शर्मा से उनका विवाद हुआ हिंदी विभाग में, किस तरह से जैसा कमलेश वर्मा ने कहा कि लालित्य के बनाम छालित्य का दौर चला उस दौर में, और छालित्य सफल होता चला गया। लेकिन केवल एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो कि खास करके नई पीढ़ी के युवा जो यहाँ जुड़े हुए हैं। अब देखिए द्विवेदी जी 1960 में यहाँ से निकाले गए थे, और कोई बड़ा आयोग बना, सब कुछ बना, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। लेकिन आप देखिए उसके बाद कोर्ट जाने की उनको पूरी आजादी थी, कोर्ट जा सकते थे, गए भी उनके साथ निकाले गए, यही के बहुत यशस्वी प्रोफेसर हुआ करते, प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी और राजबली पांडे आगे चल के जबलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए। ये दोनों निकाले गए, सब लोग कोर्ट गए, कोर्ट से रिइंस्टेट होकर के आ गए। द्विवेदी जी ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया, कहा कि जब
मूल स्वभाव ही मेरा विखंडित हो जाएगा तो पद लेकर के क्या करूंगा। उसके बाद का किस्सा आप जानते हैं, यहाँ से शिवालिक गए, चंडीगढ़ गए, फिर वहां से लौटे, तमाम सारी चीजें हैं। तो मतलब आप सोचिए कि कोर्ट जाने का बहुत बड़ा विकल्प था, लोग गए भी। द्विवेदी ने कहा कि जहां पर सम्मान नहीं है, उन्होंने कहा, मैंने मेरी अपनी भाषा में कह रहा हूं कि जहां इतने छालित्य हैं वहां पर अब लालित्य के लिए कोई जगह नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा रही होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे निबंधों का आप उनको पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, तो कई जगह लगता है जब अगर आप जानते हैं कि बनारस की पीड़ा को ही, अपने समकालीनों के द्वारा प्रदत्त पीड़ा को ही उन्होंने सर्जनात्मकता का आधार दिया है। उनके ज्यादातर निबंधों उपन्यासों के भीतर से उनकी जो पीड़ा है वह मुखर होती है, लेकिन अगर नहीं जानते तो उनकी पीड़ा को आप पकड़ नहीं सकते। तो ये सब सारी चीजें हैं। अंत में इतना और कि द्विवेदी जी को काशी कबीर